भाई बहन का प्रेम। अनुराग एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता और हमेशा अपने पिताजी के काम में मदद भी कर दिया करता था। ऐसे तो वह बस सिर्फ 12वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन फिर भी उसमें गजब का आत्मविश्वास था कि वह अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता था और साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। अनुराग की माँ का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी, लेकिन कभी कभी उसे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि अनुराग के पिताजी सही समय पर उसकी स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर वो पढ़ाई करने लगती थी। एक दिन छोटी बहन के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने बर्थडे में आने के लिए कहा था, साथ में उसे रेड कलर की ड्रेस पहनने को कहा क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी की थीम रेड कलर की थी। अनुराग की बहन इतनी समझदार नहीं थी और वह बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद कर देना, कल मुझे शीला के बर्थडे में जाना है जहाँ रेड कलर पहनना होगा, ऐसे में अगर मैं नहीं पहुँचूंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करेगा। अनुराग, अरे ड्रेस से क्या लेना देना है, तू बस उस पार्टी में जाकर मजे करके आना। बहन रोती हुई, नहीं भैया मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। अनुराग अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इस वजह से उसके अपनी बहन के लिए नई ड्रेस लाकर दे दी जो लगभग 1500 रुपए की थी और जिसके लिए उसने अपने दोस्त से उधार भी ले लिया था। ऐसे तो वह बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन अपनी बहन के आगे वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अनुराग के पिताजी, तू अपनी बहन को बिगाड़ता जा रहा है, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही है, देख बेटा उसके अंदर भी तो समझदारी होनी चाहिए कि वह हमारी मजबूरियों को समझ सके, हम इतने पैसे वाले नहीं है। ये सब बातें दूर से ही अनुराग की बहन सुन रही थी और उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी ने उसे कुछ भी देने से मना किया और उसे समझदार होने की बात की है। उसके हिसाब से तो वही सबसे समझदार लड़की थी। उसने अपने पिताजी और भाई की मजबूरियों को भी सुनते हुए नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि उसे तो अपनी मनमर्जी का हर वो सामान मिल जाता था जो वह चाहती थी। अनुराग दिन भर अपना काम करता और रात में पढ़ाई किया करता था, वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूं ही एक दिन वह पढ़ाई कर रहा होता है, अचानक उसके दोस्त महेश का फोन आता है जो उससे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। महेश, अरे चलना यार, वैसे भी तू रोज रोज काम करता है, कभी हम दोस्तों के लिए भी समय निकाला कर। अनुराग, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ मजबूरियाँ है, मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है और ना ही मैं अपने पिताजी को ऐसे कोई ख्वाहिश करना नहीं चाहता हूँ ताकि मेरे पिताजी परेशान हो जाए। महेश के बहुत कहने पर भी अनुराग तैयार नहीं होता और वो हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना चाहता है। ये सब बातें सोते हुए अनुराग की बहन सुन लेती है, जिसे थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगता है कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है वह खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे में अचानक ही अनुराग के पिताजी को किसी दूसरे शहर जाना पड़ा जहाँ पर कुछ जरूरी काम आ पड़ा था। अनुराग की बहन, भाई मेरी सहेली बता रही थी कि शहर में मॉल में एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है जहाँ पर बहुत तरह तरह के डिजाइनर कपड़े मिल रहे हैं, वह भी सस्ते दामों में, मुझे भी वहाँ से कोई अच्छी सी ड्रेस लेकर दे दो ना जिसे मैं अपने बर्थडे में पहन सकूं और मेरी सहेलियों को नीचा दिखा सकूं। अनुराग, तुम यह गलत सोच रही हो, हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। बहन, भाई आप ही मुझे दिला सकते हैं, नहीं तो पिताजी तो हमें लेने ही ना दे, दिन भर अपने मजबूरियां बताते रहते हैं और कभी मेरा ध्यान भी नहीं रखते। अनुराग उस समय चुप हो जाता है क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरियां अच्छे से मालूम है, लेकिन छोटी बहन इन सब बातों से अनजान थी। तभी अनुराग को ख्याल आता है कि
उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की जरूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं है। ऐसे में वो दौड़कर अपने गुल्लक को तोड़ने लगता है और एक एक करके पैसे जोड़ने लगता है ताकि वह अपने बहन के लिए उस प्रदर्शनी के पास उपलब्ध करवा सके। यह सब देखकर अनुराग की बहन का कलेजा फट जाता है और उसे जोर से रोना आ जाता है। उसे रोता हुआ देखकर अनुराग दौड़कर बहन के पास आ जाता है। क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? बहन रोती हुई, आज तक आपने हमेशा मेरी ख्वाहिश का ख्याल रखा, हर वो चीज मुझे दिलाई जो मैं मांगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतजाम कहाँ से करते हैं। लेकिन आपको एक एक रुपया जोड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही। अनुराग, अरे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बस उसी वक्त अनुराग की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज निकाल कर लाती है और अनुराग की आंखों में हाथ रख कर कहती, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। इस बात से अनुराग चौंक जाता है और जैसे ही वह अपनी आंखों से बहन का हाथ हटाता है तो देखता है उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लेके आई है। अनुराग आश्चर्य से, यह तो बड़ी महंगी लगती है, पर तुम कहाँ से लेकर आई? बहन, आपने जो मुझे थोड़े थोड़े करके मेरे खर्चे के लिए पैसे दिए थे ना, मैंने उसे ही जोड़ कर रखा था कि मैं उससे अपने लिए कोई अच्छी ड्रेस खरीद लूँगी, लेकिन जब मैंने आपके दोस्त की बात सुनी और आपने उसे पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया, बस मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं आपको एक खूबसूरत सी शर्ट लेकर दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह शर्ट पसंद आएगी। अनुराग खुश होते हुए, अरे ये तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे लिए कोई इतना भी कर सकता है। बहन भावुक होते हुए, ये तो मेरे तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया है उसको तो कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। अब मैं हमेशा आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कभी भी फिजूल खर्च नहीं करूंगी। वह बात सही है, जितनी चादर होती है हमें पैर भी उतना ही फैलाना चाहिए। बहन की समझदारी वाले बातों को सुनकर अनुराग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और तभी पिताजी वहां खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। अब पिताजी की आंखों में भी अनुराग के साथ साथ बहन के लिए भी गर्व के भाव आ जाते हैं और वो दोनों बच्चों को गले से लगा लेते हैं।